असलम स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर सैमा एंड टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट थर्टीन एंड द नेम ऑफ यूनिट थर्टीन इज़ हैच यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में लेट्स हैव समफॉर्मेशन ऑथर नेम जो है वो क्या है गैरी पोलसन और मनी नावल्स फॉर यंग रीडर्स बहुत से नावल ये लिख चुके हैं ठीक है और मोस्टली इनके कैरेक्टर्स जो नावल के कैरेक्टर्स होते हैं वो यंग करेक्टर्स होते हैं जो कि चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं और उसकी वजह क्या है कि वो खुद ऑथर ख़ुद फेस सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एज अ चाइल्ड क्योंकि स्टूडेंट्स इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था के ऑथर के बारे में टेक्स्ट को पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑथर किस तरह के राइटिंग्स मोस्टली उसकी होती हैं तो गैरी पॉलसन के जितने भी आप लोग नॉवेल्स पढ़ेंगे उनके तमाम नॉवेल्स ज़्यादातर क्या है यंग करेक्टर्स हैं टीन हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत से बहुत मुश्किल वक्त आता है कोई चैलेंज आता है और वो फिर इसको फ़ेस करते हैं क्योंकि ऑथर ने ख़ुद एज अ चाइल्ड बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ अपने टीन में अपने बचपन में उन्होंने फेस की थी वजह क्या थी कि हिज़ फादर वाज़ इन आर्मी वो आ, आर्मी ऑफिसर थे उनके वालिद तो फिर क्या होता था आर्मी की पता है आपको ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं तो जिसकी वजह से उसको जो है वो स्कूल चेंज करने पड़ते थे तो उसकी वजह क्या थी कि वो एक शायब बच्चा था शर्मीला बच्चा था और नए स्कूल को फेस करना आपको पता है किसी भी शाये इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है फिर से नए दोस्त बनाना नए टीचर्स और फिर नए कनेक्शंस और फिर एकदम से वो सब ख़त्म हो जाए फिर आप किसी नए सेटअप में चले जाओ फिर वहाँ पे नए फ्रेंड्स नए चैलेंजेस नए करेक्टर्स तो किसी भी शाए इंसान के लिए जो शर्मीला नेचर का होता है उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं तो इन चीज़ों ने उसकी पर्सनैलिटी पर इतना ज़्यादा असर डाला कि वो जब बड़े होकर राइटर बना तो मोस्टली उसकी कैरेक्टर्स उसी टाइप के ही हैं <coughs> अच्छा उसका जो है वो फेमस कोट क्या है आई राइट बिकॉज इट्स ऑल आई कैन डू मैं इस वजह से लिखता हूँ क्योंकि मैं यही कर सकता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई ईयर्स ऑन दिस अर्थ टू मीन समथिंग मैं कुछ कर सकूँ मैं जिस दौरान जिंदा हूँ जितने मेरे साल यहाँ ज़मीन पर हैं मैं उसमें कुछ कर सकूँ राइटिंग फर्निशेज अ वे फॉर दैट टू हैपन और राइटिंग की वजह से वो ये समझता है कि मेरी राइटिंग की वजह से जो है वो अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो ये राइटिंग ही मेरी हेल्प कर सकता है सो दैट्स वाई ही यूज़ टू राइट और फिर राइटिंग में मोस्टली करेक्टर्स उसकी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है चैलेंजेस में प्री रीडिंग क्वेश्चन ओके okay, स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग सोचें कि जंगल क्या होता है कभी आपने सोचा होगा आप लोग गए होंगे ऑफ़कोर्स जंगल का सेटअप बहुत से दरख्त आपके जहन में आएंगे और आपके जहन में अकेलापन तन्हा अंधेरा कुछ इस टाइप की ही फीलिंग ज़्यादा आती है जंगल का नाम सुनने से ठीक है If you were alone in a forest, और अगर आपको तन्हा छोड़ दिया जाए किसी जंगल में what would you do to survive? आप अपने survival के लिए ज़िंदा रहने के लिए क्या करेंगे आपने बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनू सुनी होंगी कि लोग जो है वो जंगल में भटक गए फिर उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया क्या आपके जहन में कभी आया कि अगर आप कभी इस तरह से जंगल में भटक जाते हैं और पहुँच जाते हैं किसी जंगल के बिल्कुल सेंटर में ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा जंगल्स तो नहीं हैं फॉरेस्ट यहाँ पर नहीं है लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं आपको पता है वहाँ पे घने जंगलात हैं और वो मीलों तक फैले हुए हैं और वहाँ से पैदल निकलना तकरीबन पॉसिबल नहीं है और वो बहुत दूर दूर तक है अफ्रीका के भी जंगलात हैं और इवन ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो अमेरिका में हैं वो बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं कभी आप लोगों को टाइम मिले तो उसको सर्च करें और आपको पता है फिर उन जंगलात में खो जाना और किसी ऐसे बीच के जगह पे जाके खो जाना तो ऑफ़कोर्स दैट इज़ यू नो परेशान कर देने वाली सिचुएशन है तो आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आपके जहन में आएगी कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए क्योंकि हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ठीक है वो भी कुछ इसी तरह के ही चैलेंजेस कैरेक्टर जो है वो फेस कर रहा है ठीक है स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रोलॉग पढ़ते हैं प्रोलॉग में आपको थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड बता दिया जाता है इसको पढ़ने के बाद वो जो उनका नावल है वो पूरे का पूरा एक एक्सेप्ट एक, एक पीस आपको नावल का दे दिया जाएगा एक छोटा सा उसका चैप्टर या कुछ पेजेस का कि आप उसको पढ़ें वो राइटिंग उनकी अपनी है ये जो प्रोलॉग है ये आपको इंट्रोडक्शन के लिए ये एक तमहिद होती है आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि हम बीच में से नावल स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है हम बिल्कुल स्टार्ट से भी नहीं कर रहे हैं और हम पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तो हम जो छोटा सा उसका एक एक्सर्प पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा स्टोरी की समझ होनी चाहिए सो दैट्स वाई द प्रोलॉग इज़ गिवन ओके तो क्या है इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर इज़ अ टीनेजर नेम्ड ब्रायन रॉबिसन ब्रायन रॉबिसन नाम का कैरेक्टर है जो कि टीनेजर है ठीक है अपने टीन में है थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन ये जो एज है इसको हम टीन एज कहते हैं ठीक है ही इज ऑन अ प्लेन टू विजिट हिज फादर इन दील्ड इन कैनेडा तो एक जहाज पे बैठ के वो कहाँ जा रहा है अपने वालिद से मिलने इन द ऑयल फील्ड्स इन कैनेडा कैनेडा में वो जा रहा है कैनेडा जा रहा था कैनेडा में आपको पता है तेल निकलता है तो वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे उसके वालि शायद काम कर रहे थे तो वो उनसे मिलने जा रहा था द ओनली अदर पर्सन ऑन द प्लेन इज़ द पायलट और जहाज पर सिर्फ़ एक ही बंदा है ब्राइन के अलावा ब्राइन ड्रॉपिसन के अलावा जहाज़ पर सिर्फ एक ही बंदा है, है और वो है पायलट ठीक है वैन द पायलट हैज़ आ हार्ट अटैक फिर क्या हो जाता है उस प्लेन को आ, चलाने के दौरान ही पायलट पे एक हार्ट अटैक आ जाता है ठीक है ब्राइन मस्ट गाइड द प्लेन टू लैंड अब हार्ट अटैक जब हो गया और उसकी डेथ हो गई तो सिर्फ ब्राइन ही बच गया और ब्राइन को ही उस जहाज़ को कंट्रोल करना है और उसको ज़मीन पर उतारना है और अगर वो उसको ज़मीन पे नहीं उतार पा पाएगा तब भी उसकी मौत है तो उसने क्या किया कि ऑफ कोर्स एक कोशिश की कि वो ज़मीन पर इसको लैंड करे आफ्टर ही लैंड्स ऑन अ लेक और फिर एक झील पे जाके ठीक है बिल्कुल जंगल के दरमियान एक झील है वहाँ पे जाके वो लैंड कर लेता है ही फाइंड हिमसेल्फ अलोन एंड स्केयर्ड अब वो बिल्कुल तन तनहा और डरा हुआ ठीक है द ओनली बिलोंगिंग्स ही हैज़ आर हीज़ क्लॉथिंग एंड आ स्मॉल एक्स कॉल्ड आ हैचट अब उसके पास जो है वो सिर्फ उसके कपड़े जो वो लेके जा रहा था और एक छोटा सा हैचट एक कुड़ी छोटी कुलाड़ी वो उसके पास थी ब्राइन मस्ट फाइंड अ वे टू तो सर्वाइव अ लोन इन दिल्डनेस अब उस बयाबान में उस uh, खामोशी वाले इलाके में उस उजड़े तन तन-तनहा जंगल में प्राइन को अकेले ही सरवाइव करना था अपनी जिंदगी का कोई ना कोई सामान उसे पैदा करना था ताकि जब तक मदद आ सके जब तक मदद उस तक पहुंच सके तब तक तो वो उस वो ज़िंदा रहना चाहता था ठीक है सो so, हम आगे पढ़ेंगे कि उसके जहाज़ ने लैंड किया और अब वो जो है सोच रहा है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए और यहाँ से हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है ब्राइन फाउंड इट वॉज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम स्पार्क्स ऑफ फायर अब स्टूडेंट्स फायर इज़ समथिंग कि बहुत नेसेसिटी uh, है जब आप किसी जंगल में हो तो आपको course, सबसे पहले शेल्टर Uh, जहन में आता है और शेल्टर के लिए आपको फायर चाहिए ताकि जंगली जानवर ना आपके पास आ सके ना आपको ठंड से जो है वो आ आपकी डेथ हो ना ही भूख से ठीक है तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है फायर सो ई फाउंड इट वॉज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम स्पार्क्स ऑफ फायर आग चलाना यहाँ पर कोई आसान काम नहीं था क्लियरली देयर हैड टू बी समिंग फॉर द स्पाक्स टू इग्नॉइट और फिर उसके लिए चिंगारी जो स्पार्क्स ऑफ फायर है जो चिंगारियाँ हैं वो उनको अलाना आसान नहीं था क्योंकि दे हैड टू बी समथिंग फॉर द स्पार्क्स टू इग्नाइट ठीक है अगर वो चिंगारी होती है तो उसको भड़कने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है सम काइंड ऑफ टिंडर और किंडलिंग अब आपको पता है कि हम अगर कहीं पिकनिक पे भी जाते हैं तो हमें आग जलानी हो तो हम टिंडर कलेक्ट करते हैं वो जो तिनके वगैरह होते हैं वो हम ए, कलेक्ट करते हैं ताकि उससे ही किंडलिंग होती है आग लगती है ठीक है तो उससे जो है वो यही चीज़ सबसे पहले सूजी के आग को रोशन करने के लिए जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए उसको तिनके विनके चाहिए बट वट अब यहाँ पे वो क्या ढूँढे क्या लेके आए ठीक है ही ड्राइड ग्रास इन और कुछ सूखी हुई घास वो लेके आया टेप्ड स्पार्क्स इन टू अब स्पार्क्स तो उसके लिए लाना वो उसका मसला हो गया था क्योंकि वो जब उसके पास वो हैचर था तो उसको कुछ ना कुछ समझ में आ गया था कि इसको हिट करने से चिंगारियाँ तो जल रही हैं लेकिन उस उन चिंगारियों को आग बनानी थी उसे ठीक है तो वो यही सोच रहा था वो थोड़ी सी घास लेके आया और जो चिंगारियाँ थी उनको उसके ऊपर गिराया एंड वॉचड देम डाई और फिर क्या हुआ वो चिंगारियाँ बुझ गई ही ट्राइड स्मॉल ट्विक्स प्लांट्स की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उसने उनको ट्राई किया ब्रेकिंग डैम इंटू लिटल पीसेज उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने जो है वो तोड़ा बट दैट देट वर्स देन ग्रास लेकिन ग्रास से भी ये बदतर थे ठीक है देन ही ट्राइड अ कंबिनेशन ऑफ द टू ग्रास एंड ट्विग्स फिर उसने क्या किया टहनिया और घास दोनों को इकट्ठा किया नथिंग ही हैड नो ट्रबल गेटिंग स्पार्क्स अब उसके लिए चिंगारियाँ पैदा करना मुश्किल नहीं था ठीक है बट द टाइनी बिट्स ऑफ हॉट स्टोन और मेटल ही कूडेंट टेल विच देवर जस्ट स्पर्टर्ड एंड डाइड लेकिन अब वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो चिंगारियाँ हैं ये पत्थर के टुकड़े हैं या ये कोई मेटल है क्योंकि वो अपने एक्स को जब मार रहा था चट्टान से तो तभी वो चिंगारियाँ बन रही थी और वो ऐसे चिंगारियाँ जो है वो उड़ रही थी तो वो उन चिंगारियों को समझ नहीं पाया था कि क्या ये मेटल है या ये उस गरम पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। वो वो थोड़े से जो रोशन हुए और फिर बुझ गए ही सेटल्ड बैक ऑन हिज हॉन्चेज इन एक्सपरेशन अब वो जो है वो बैठ गया अपनी पीठ के बल और गुस्से में था लुकिंग एट द पिटिफुल क्लम्प्स ऑफ ग्रास एंड ट्विक्स और वो देख रहा था इन टुकड़ों को क्लम्प्स उस ढेर को देख रहा था ऑफ ग्रास एंड ट्विक्स ठीक है ही नीडेड समथिंग फाइनर उसको कुछ ज़्यादा बेहतर चाहिए था समथिंग सॉफ्ट एंड फाइन एंड फ्लफी टू कैच द बेट्स ऑफ फायर कुछ ऐसा चाहिए था जो कि नर्म मुलायम हो जो कि आसानी से आग पकड़ सके श्रेडेड पेपर वुड बी नाइस अचानक से उसके जहन में आया कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए बट ही हैड नो पेपर अब उसके पास कागज़ कहाँ से आया सो क्लोज ही सेड अलाउड सो क्लोज अब वो अपने आप को तसलियाँ दे रहा है ठीक है बहुत करीब हूँ मैं आग जलाने के बहुत करीब हूँ ही पुट द हैचेट बैक इन हिज बेल्ट हैचेट को दोबारा से अपने बेल्ट में उसने रखा एंड वेंट आउट ऑफ द शेल्टर और वो जो शेल्टर उसने अपने लिए बनाया था जिसमें उस वो पना ले रहा था उससे बाहर निकल गया लिंपिंग ऑन हिज सोर लेग अब ऑब्वियसली वो जो क्रैश लैंडिंग उसने की थी उसकी वजह से उसका जो पाँव था वो जख्मी था और वो उस पर लंगड़ा के चल रहा था ठीक है देयर हैड टू बी समथिंग हैड टू बी कुछ ना कुछ होना चाहिए मैन हैड मेड फायर अब वो सी स्टूडेंट को अपने आप को तसलियाँ दे रहे हैं आदमी ने जो है वो आग बनाई है देयर हैड बीन फायर फॉर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स और कितने टाइम तक जो है वो आग रही है देयर हैड टू बी अवे कोई तो रास्ता होना चाहिए ही डग इन हिज पॉकेट्स एंड फाउंड द ट्वेंटी डॉलर बेल इन वॉलेट अब उसने क्या किया अपनी जेबों को टटोलना शुरू किया उसको ढूंढना शुरू किया और उसे एक बीस डॉलर का नोट मिल गया पेपर वर्थलेस पेपर आउट हीयर पहले इसने कहा कि पेपर फिर ने कहा यहाँ पे तो मुझे ट्वेंटी डॉलर्स के नोट की ज़रूरत ही नहीं है बट इफ़ ही कुड गेट अ फ़ायर गोइंग लेकिन अगर आग जल गई तो ऑफ़ कोर्स उसकी ज़िंदगी आग की वजह से ही बच सकती थी ट्वेंटी डॉलर का नोट यहाँ पे उसे कुछ नहीं दे सकता था ठीक है ही रिप्ट द ट्वेंटी इन टू टाइनी पीसेस उसने क्या किया उस नोट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मेड अ पाइल ऑफ पीसेस ठीक है पीसेज का एक पाइल बना दिया एक ढेर बना दिया उन छोटे छोटे टुकड़ों का एंड हिट स्पार्क्स इन टू दैम और फिर उसने उनमें चिंगारियाँ डाली नथिंग हैपन दे जस्ट वुडन टेक द स्पार्क्स ये चिंगारियाँ जो है वो ये नहीं लेंगे ये रोशन नहीं होंगे ये छोटी चिंगारियों की उससे आग नहीं पकड़ेंगे बट देयर हैड टू बी अ वे सम वे टू डू इट कोई रास्ता तो होना चाहिए कोई ना कोई रास्ता तो हो जिसकी वजह से अब वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि कोई तो रास्ता हो कुछ और मेरे जहन में आ जाए नॉट ट्वेंटी फीट टू हिज राइट लीनिंग आउट ओवर द वॉटर व ब्रिचे ब्रिचेज़ जो है वो सफ़ेदे के दरख्त को कहते हैं तो उससे कोई बीस फीट दूरी पर राइट right साइड पे क्या था लीन मीन झुके हुए ठीक है तो वो दरख्त सफ़ेदे के दरख्त थे एंड ही स्टूड लुकिंग एट दैम फोर अ फुल हाफ मिनट बिफोर दे रजिस्टर ऑन हिज माइंड रजिस्टर ऑन माइंड इज एन एरिया ओके तो वो हाफ मिनट उनको देखता रहा अब उसके जहन में कुछ नहीं आ रहा था अचानक से जब तक उसे कुछ याद आया कुछ उसको समझ आया ठीक है रजिस्टर्ड ऑन हिज माइंड देवर अ ब्यूटिफुल वाइट विद बार्क लाइक क्लीन स्लाइटली स्पेकल्ड पेपर साफ सुथरे सफेद हल्के हल्के से उनपे जो है वो स्पैकल्ड थे निशानात थे ये तो जो है वो वाइट विद बार्क लाइक क्लीन स्लाइटली स्पैकल्ड पेपर अब उनका जो तना हो है सफ़ेदे के दरख्त का जो तना है वो सफ़ेद होता है इस वजह से उस सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं तो उसका जो बार्क जो उसकी छाल थी उन दरख्तों की वो बिल्कुल कागज़ की तरह थी पेपर ही मूव टू द ट्रीज़ अचानक से अब हाफ मिनट देखे रहने के बाद फिर उसे समझ में आया कि पेपर यही तो वो कागज़ है जिसकी वो तलाश में है ही मूव टू द ट्रीज़ वो दरख्तों की तरफ चला गया वेयर द बार्क पीलिंग फ्राम द ट्रंक्स इट लिफ्टड इन टाइनी टैम जहाँ पे पील आपको पता है वो छिलके की तरह उतर रहा जो होता है और वो जो छिलका उतरता है तो फिर वो क्या हो जाता है वो टेंड्रल्स की तरह रोल हो जाता है ठीक है वेन peeling from द ट्रंक्स इट लिफ्टड इन टाइनी tendrils. वो जो बार्क वो जो तने का जो छिलका है वो खाल जो है छाल जो जड़ की है वो जो उतर रही थी तो वो ऐसे टेंड्रल्स हम उन छाखों हैं वो जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं उनके आपने देखे होंगे वो इसी तरह से रोल हुए हुए छोटे छोटे से पतले पतली सी डंडियाँ होती हैं और वो उन्हीं को रोल करके सहारा लेते हुए ऊपर क्लाइंब करते जाते हैं दूसरे दरख्तों के साथ तो वो जो सफ़ेदे के दरख्त की छाल जो थी वो इसी तरह रोल हुई हुई थी उसकी साइड से ठीक है ऑलमोस्ट फ्लफ्स और जब उसने हाथ लगाया तो वो बिल्कुल नर्म मुलायम थे ब्राइन क्लकड सम ऑफ दैम लूज और उसने उसी मिशन को तोड़ना शुरू कर दिया रोल दैम इन हिज फिंगर्स और वो उनको अपने उंगलियों पर रोल कर रहा था डे सीम्ड फ्लेमेबल और लग रहा था कि ये आग पकड़ेंगे ड्राई एंड नीअरली पाउडरी वो खुश हुए हुए थे क्योंकि खुश होने की वजह से ही वो उतर रहे थे और पाउडरी फॉर्म में यानी कि खुश्की की वजह से वो जब उनको उतार रहा था तो वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में थे ही पोल्ड एंड ट्विस्टेड बिट्स ऑफ द ट्रीज वो उनको खींचता जा रहा था और ट्विस्ट कर रहा था पैकिंग दैम इन वन हैंड वाइल ही पिक्ड दैम अदर अब एक हाथ से वो उनको रोल कर रहा था दूसरे हाथ से वो उनको निकाल रहा था ठीक है पिकिंग एंड गैदरिंग अंटिल ही हैड अ वेड क्लोज टू द साइज ऑफ अ बेस बॉल वो उनको रोल करते करते वो एक गोल बॉल की तरह सी शक्ल बन गई जो कि बेस बॉल साइज में था ठीक है देन ही वेंट बैक इन टू द शेल्टर और फिर दोबारा से वो शेल्टर में चला गया एंड अरेंज द बॉल ऑफ बिच बाग पीलिंग्स एट द बेस ऑफ द ब्लैक रॉक अब वो जो ब्लैक रॉक थी उसके पेंदे पे उसने इनको रख दिया एज एन आफ्टर थाट ही थ्री यू इन द रिमेन्स ऑफ द ट्वेंटी डॉलर बिल और फिर जो है वो उसने कुछ सोच के फिर कुछ कागज़ के टुकड़े वो जो बचे हुए डॉलर के नोट के जो टु, टुकड़े थे वो उसके ऊपर डाल दिए ही स्ट्रक एंड आ स्ट्रीम ऑफ स्पार्क्स फेल इन टू द पार्क उसने जैसे ही है वो अपनी कुलाड़ी मारी तो फिर जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ स्पार्क्स स्ट्रीम ऑफ स्पार्क्स इस वजह से कह रहे हैं कि जिस तरह की वो चिंगारियों की एक लाइन है एक नदी की तरह जो बन रही थी फेल इन टू द पार्क एंड क्विकली डाइड तो वो सब उस छाल के ऊपर गिरे और फिर ख़त्म हो गए बट दिस टाइम वन स्पार्क फॉल फेल ऑन वन स्मॉल हेयर ऑफ ड्राई पार्क लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि वन स्पार्क फेल ऑन वन स्मॉल हेयर ऑफ़ ड्राई पार्क तो वो जो हेयर और कैंडल की सूरत में थे रेशों की सूरत में छोटे 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 से जो, जो थे वो क्या कर रहा था एक स्पार्क उनकी तरफ गिरा ऑलमोस्ट अ थ्रेड ऑफ़ बार्क अब वो बिल्कुल धागे की तरह क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में उनको ऐसे खींच खींच के निकाल रहा था टेंड्रिल्स मींस रेशों की सूरत में ठीक है तो वो क्या हुआ कि वन स्मॉल हेयर ऑफ ड्राई बार्क ऑलमोस्ट अ थ्रेड ऑफ बार्क एंड सीम टू ग्लो एट उसके ऊपर एक गिरा उसे एक धागे नुमा जो छाल थी उसके ऊपर गिरा कुछ देर के लिए जो है वो ग्लो हुआ चमका रोशन हुआ अ बिट ब्राइटर बिफोर इट डाइड थोड़ा सा रोशन हुआ और फिर ख़त्म मार गया द मटीरियल हैड टू बी फाइनर मटीरियल को थोड़ा और अच्छा होना चाहिए थोड़ा और नफीस होना चाहिए देयर हैड टू बी अ सॉफ्ट एंड इनक्रेडिबली फाइन नेस्ट फॉर दिस स्पार्क्स अब उसके लिए मुझे एक घोंसला बनाना चाहिए पहले तो उसने बॉल बना के रख दिया और उसके ऊपर डॉलर डौल, के नोट रखे अब उसे सोचा कि वो एक घंसले की ज़रूरत में होना चाहिए ताकि उसके अंदर स्पार्क्स जाए इट मस्ट आई मस्ट मेक अ होम फॉर द स्पार्क्स मुझे स्पार्क्स के लिए घर बनाना चाहिए ही थाट उसने सोचा अ परफेक्ट होम और दे वोंट स्टे एक परफेक्ट टाइप का होम होना चाहिए वरना वो जिंदा नहीं रहेंगे दे मेक फायर वो आग नहीं बनाएंगे. वो आग नहीं जलाएंगे ही स्टार्टेड रिपिंग द दोबारा से उसने वो छाल हटानी शुरू कर दी यूजिंग हिज फिंगर एट फर्स्ट पहले वो अपने नाखूनों से वो खींच के हटा रहा था एंड दैट डेंट वर्क ही यूज द शार्प एज ऑफ द हैचेट पहले उसने नाखनों से किया और जब उससे नहीं हुआ फिर उसने क्या किया कोशिश की कि वो जो हैचेट था उसकी जो है वो जो शार्प एज जिसकी वजह से जिसका वो जो तेज़ जो दारा था उससे इसने जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कटिंग द बा इन थिन सिल्वर सिल्वर हेयर सो फाइन और वो उनको जो है वो छोटे छोटे बालों की सूरत में उनको Um, हटाना शुरू कर दिया सो फाइन देअर ऑलमोस्ट नॉट देयर इट वॉज पेन टेकिंग अब ऑफकोर्स उसने जब ये काम शुरू किया तो ये तो मुश्किल था बहुत मुश्किल था पेन टेकिंग वर्क स्लो वर्क एंड ही स्टेड विद इट आहिस्ता आहिस्ता वो एक को हटाना फिर उसको रोल करना फिर दूसरा मार मार के उसको गोल करना उसको हटाना तो ये स्लो वर्क होगा एंड ही स्टेड विद इट फॉर ओवर टू आवर्स और तकरीबन दो घंटे वो उसी के साथ लगा रहा ट्वाइस ही स्टॉप फॉर अ हैंडफुल ऑफ बेरीज एंड वंस टू गो टू द लेक फॉर अ ड्रिंक दो दफ़ा वो रुका और वो जो जंगल में जो बेरी के दरख्त थे जो बेर के दरख्त थे या वो डिफरेंट टाइप की बेरीज़ जो होती हैं उनमें से वो रुका और कुछ उसने दो दफ़ा मुट्टी भर के उन्हें खाया और एक दफ़ा वो पानी पीने जो है वो झील की तरफ गया देन बैक टू वर्क और दोबारा से उसने काम शुरू कर दिया द सन ऑन हिज़ बैक अब क्या हुआ सूरज उसकी बैक पे था और ऑफ़कोर्स वो रूफ होने वाला था एट लास्ट ही हैड अ बॉल ऑफ फ्लफ एज as एज अ ग्रेप फ्रूट अब वो एक ग्रेप फ्रूट अननास की साइज़ के जितना एक बॉल आखिर में वह बनाने के काबिल हुआ ड्राई बिरच बा वो सफ़ेदे का सूखा उसकी छाल का नर्म मुलायम सा गोला था ठीक है ही पोजिशन हिज स्पार्कनेस्ट उसने अपने उस घोसले को वहाँ पे रखा एज ही थाट ऑफ इट जैसे उसने इसके बारे में सोचा एट द बेस ऑफ द रॉक यूज हिज थम टू मेक अ स्मॉल डिप्रेशन इन द मिडल उसने जो है वो क्या किया कि वो उसको कह रहा था कि ये स्पार्क्स का नेस्ट है अब उसने अपना जो है वो आ, उंगली उसमें डाल के उसको बिल्कुल Uh, उसके अंदर जो है वो एक डिप्रेशन बना दिया एक अंदर से उसके अंदर होल बना दिया बीच में एंड स्लैम्ड द बैक ऑफ द हैचेट डाउन अक्रॉस द ब्लैक रॉक और फिर उसने दोबारा से हिट किया हैचेट को उस ब्लैक रॉक से अ क्लाउड ऑफ स्पार्क रेन डाउन अब वो उसने नीचे रखा हुआ था बिल्कुल एक क्लाउड की तरह वो चिंगारियाँ जो है वो नीचे गिर गई मोस्ट ऑफ दैम मिसिंग द नेस्ट ज़्यादातर क्या हुआ वो उस नेस्ट पर तो नहीं गिरे इधर उधर गिर गए बट समहैप्स थर्टी और सो हिट इन द डिप्रेशन एंड ऑफ दोज सिक्स और सेवन फाउंड फ्यूल एंड ग्रेव अब उसमें से जो थर्टी थे वो उस नेस्ट के अंदर गिरे और उसमें से पाँच छः जो है वो थोड़ा सा उन्हें ईंधन मिला और वो थोड़े से बढ़े स्मोल्डर्ड एंड कॉज द बाग टू टेक ऑन द रेड ग्लो और फिर क्या हुआ कि वो थोड़े से रोशन हुए थोड़े से जले और उसकी वजह से क्या हुआ एक रेड ग्लो एक रेड किस्म की चमक थोड़ी सी पैदा हुई देन दे वेंट आउट और फिर दोबारा से वो ख़त्म हो गए क्लोज ही वज़ क्लोज़ ही पोजिशन द नेस्ट मेड अ न्यू एंड स्मॉलर डेंट विद इज थम्प अब उसने क्या किया कि वो समझ गया कि अब वो करीब था अब वो बहुत करीब था ही रीपोजिशन नेस्ट उसने वो जो देखा था कि ये कहाँ पे गिर रहे हैं उसने उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे रखा मेड अ न्यू एंड स्मॉलर डेंट विद्ब और दोबारा से अपने अंगूठे की मदद से उसमें जो है वो एक डेंट एक डिप्रेशन या एक Uh, अंदर की तरफ एक गड़ा बना दिया एंड स्ट्रक अगेन और दोबारा से इसने मारा मोर स्पार्क्स अ स्लाइट ग्लो देन नथिंग और भी ढेर सारे स्पार्क्स वहाँ पे चले गए कुछ रोशन भी हुआ और फिर उसके बाद सब खत्म इट्स मी ही थॉट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग मुझसे ही कुछ गलत हो रहा है मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ आई डू नॉट नो दिस मुझे ये नहीं आता आ कीव डवेलर वुड हैव हैड अ फायर बाई नाव अगर कोई कारों में रहने वाला आदमी भी होता तो उसके पास अभी तक आग जल चुकी होती उसके पास आग होती अख्रो मैगन मैन वुड हैव अ फाया बाई नाउ बट आई डोंट नो दिस आई डोंट नो हाउ टू मेक अ फाया अब वो अपने आप को जो है वो अपने आप में गु़स्सा आ रहा था कि मुझे करना नहीं आ रहा क्रो मैगनन जो है स्टूडेंट्स दे कॉल क्रो मैगनन वो जो यूरोपी यूरोप में जो केव्स में जो लोग रहते थे उनको क्रो मैगनन कहते हैं और यहाँ पर वो फिर वो अर्ली मैन के तौर पर जाने जाते हैं जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी वो क़ारों में रहता था और उस टाइम जो है वो आग सिर्फ जला सकता था तो ये उस टाइम के लोगों को जो है वो क्रो मैगनन कहते हैं तो ये यहाँ पे बता रहा है कि क्रो मैगनन जो है वो उस वक्त जिसको कुछ नहीं आता था जिसके पास इतना नॉलेज नहीं था वो भी अगर होता तो अभी तक वो आग जला चुका होता वो अपने आप को ही मलामत कर रहा है रिप्रोच कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा मे बी नॉट इनफ स्पार्क्स हो सकता है ज़्यादा चिंगारियाँ नहीं है ही सेटल द नेस्ट इन प्लेस वंस मोर एंड हिट द रॉक विद अ सीरीज़ ऑफ़ ब्लोज अब उसने दोबारा से उसकी जगह चेंज की और तीन चार दफा उसने रॉक को मारा एज फास्ट एज ही कु जितने जोर से वो मार सकता था उतने जोर से मारा द स्पार्कस पोर्ड लाइक अ गोल्डन वाटर फॉल और सारे स्पार्क्स ऐसे लग रहा था एक आबशार की सूरत में गोल्डन आबशार की सूरत में गिरने लगे एट फर्स्ट दे सीम टू टेक देयर वर सेवरल मैनी स्पार्क्स

जिनको ज़िंदगी मिली वो जो ईंधन था उसकी वजह से एंड टुक ब्रीफली और फिर थोड़ा सा जो है वो वो जले भी बट दे ऑल डाइड लेकिन फिर सब ख़त्म हो गए राइट स्टूडेंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज़ इनफ टुडे हम बाकी का जो है वो कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह दैट्स फॉर टुडे थैंक यू सो मच अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना है दोबारा से रिपीट करना है और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे इस टीन एजर कैरेक्टर ने क्या किया अभी और इसने जो है वो क्या किया होगा ठीक है सो कीप ऑन थिंकिंग और अगर आप लोग पढ़ सकते हैं इसको पढ़ भी लें और इनके मीनिंगस भी देख लें फिर कल इनशाला हम लोग बाकी का लेसन भी कम्प्लीट करेंगे और इसके कॉम्प्रीहशन क्वेश्चन भी करेंगे ओके स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज